सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में जो माय नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन दिया होता है उसमें आपको किस किस प्रकार के मैसेज आते हैं और कैसे आप लोग वहां से पता कर सकते हैं कि कौन सा लाभार्थी जो है वो किस कैटेगरी में गया है, कौन सा लाभार्थी जो है वो निष्क्रिय हो चुका है। जैसा कि हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में किसी नए लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया गर्भवती महिला में और वहाँ से इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसका भी मैसेज आपको जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी लाभार्थी का जो टाइम है, मान लीजिए यहाँ पर जो स्तनपान कराने वाली माताएँ हैं और उनका जो बच्चा है वो 6 माह का हो जाता है, तो उस लाभार्थी का जो डेटा है यहाँ से निष्क्रिय हो जाता है, उसका भी मैसेज आप लोग माई नोटिफिकेशन बेल में देख सकते हैं। जो यहाँ से बच्चा है और बच्चे जो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं उसका भी मैसेज आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो इसकी प्रक्रिया है माई नोटिफिकेशन बेल की, तो वो यही है कि किसी भी प्रकार का आप लोग यहाँ पर अपडेट करते हैं तो उसका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कैटेगरी अपडेट और दूसरा है निष्क्रिय। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में अगर आप लोग किसी गर्भवती महिला को माइग्रेट करके स्तनपान कराने वाली महिला में भेजते हैं तो उसका भी मैसेज आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो ये माई नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है जहां पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि किनका हमने यहां पे अपडेट किया है और उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में गया है, उसका भी मैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, पीयूष कुमार हैज़ बिन मूव्ड फ्रॉम 0 से 6 मंथ कैटेगरी टू 6 मंथ से 3 ईयर्स कैटेगरी। यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे किस दिन को ये लाभार्थी यानी ये बच्चा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, उसका मैसेज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय, यानी कि ये जो निष्क्रिय वाला ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कोई लाभार्थी है जो स्तनपान कराने वाली माताओं की कैटेगरी में चली गई है और उसका बच्चा जो है वो 6 माह का हो जाता है, तो यहाँ पे उस लाभार्थी यानी स्तनपान कराने वाली माताओं की जो कैटेगरी है उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, यानी उस लाभार्थी को यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी बच्चे का जो उम्र है 3 से 6 साल वाले, 6 साल उसका उम्र हो जाता है तो उसको भी उस कैटेगरी से हटा दिया जाता है ताकि कोई नया लाभार्थी को उसमें हम लोग जोड़ सकें। तो उन सभी का मैसेज आपको देखना हो तो आप लोग यहाँ पे माई नोटिफिकेशन बेल में आके देख सकते हैं कि कौन से लाभार्थी का क्या अपडेट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग हमेशा चेक करते रहिएगा कि कौन सा लाभार्थी कहाँ पे मूव हुआ है, कौन से लाभार्थी को हमने कहाँ पे अपडेट किया है, इसकी जानकारी आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही छोटी सी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताना था, क्योंकि बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो है वो पूछते रहती हैं कि जो हमारा बच्चा है जो 0 से 6 माह वाला बच्चों की कैटेगरी है, 6 माह से 3 साल वाले कैटेगरी में नहीं जाता है, या फिर जो 6 माह से 3 साल वाले कैटेगरी में से 3 से 6 साल वाले कैटेगरी में नहीं जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैसेज देखने को मिल जाता है कि कौन से बच्चा किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में गया हुआ है। तो अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।